जय हिंद। देखो भाई, जब भी कोई समझ लो कि नया अचीवमेंट मिलता है तो लोगों में काफ़ी सारा एक्साइटमेंट होता है उसके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। तो समझ लो कि UPSI में जो भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आप UPSI के ट्रेनिंग के बारे में बताएं, इसके ज्वाइनिंग के बारे में बताएं, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है। समझ लो कि तमाम तरह के क्वेश्चन दिमाग में चलती है और जाहिर सी बात है चलेगी ही, क्योंकि नया जगह रहता है, इस तरह से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो समझ लो इसी के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग में आपको सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन मिलता है और इसी के लिए समझ लो कि जॉब की जाती है कि कुछ उससे इनकम हो हमको जॉब से और मेरा जो जीवन है अच्छे से चले। तो इसमें हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलेगी और कितना बचा पाइएगा, खर्चा कितना होता है, ठीक है, कैसे कैसे आप बस सेविंग करिएगा, क्या करिएगा तो सेविंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी सब चीज़ के बारे में बात करने वाला दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि देखिए पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर और IAS IPS का जो भी ट्रेनिंग होता है, समझ लीजिए कि सबको फुल सैलरी मिलता है। लेकिन SI का बात करें यार, तो SI को मात्र 3500 रुपया सैलरी के नाम पर मिलता है, मतलब ट्रेनिंग भर 3500 रुपया मिलता है। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको जब आप ड्यूटी पीरियड में आ जाइएगा तो समझ लो कि आपका जो भी ट्रेनिंग का पैसा है, आपका फुल पैसा फिर ट्रेनिंग के बाद आपको दिया जाता है, ऐसा है, समझ लीजिए। लेकिन एक में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये समझ लीजिए नियम कानून था, ये पिछले जो ट्रेनिंग जो लोग किए हैं पिछले वैकेंसी में उन लोगों को ऐसा था, लेकिन समझ लो कि अभी जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है कि नहीं भाई, जब सबको सैलरी दिया जाता है तो इन लोगों को भी सैलरी दो, क्यों नहीं दोगे। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है इनमें समझ लो कि सबको सैलरी पूरा मिलेगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका 40-42 हज़ार सैलरी बनेगा सब सैलरी आपको मिलेगा और आप जितना चाहें उतना खर्चा कर सकते हैं। लेकिन पिछली वैकेंसी की जो ट्रेनिंग हुई थी, समझ लो कि उसमें उन लोगों को सैलरी जो है मात्र 3500 रुपया मिलता था और समझ लो कि इसमें उन लोगों को घर से ही 10-12 हज़ार रुपया मंगाना पड़ता था, इस तरह व्यवस्था थी। लेकिन अभी आप लोगों को बहुत बढ़िया है, आप लोगों को पूरी समझ लो कि सैलरी मिलेगी, आप दिल खोल के खर्चा करो, खाओ पियो, मस्त रहो, ठीक है। इसमें आपका सैलरी जो है लगभग 40-42 हज़ार के आसपास मिलता है, मतलब समझ लो कि कुछ कटता नहीं है, सब आपको सैलरी मिल जाता है। फिर आप ड्यूटी में भी आइएगा तो इतना ही सैलरी मिलता है और आपका NPS बनवाया जाएगा, तो जब NPS बनता है तो आपका जो भी है 14-15% सैलरी का काट लिया जाएगा और उसको समझ लीजिए कि आपके पर्सनल जो प्राण खाता होता है उसमें जमा होता है, आपको फुल सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं खर्चा की, तो देखिए खर्चा सबसे ज़्यादा होता है समझ लो कि ट्रेनिंग में आपका मिनिमम जो खर्चा होगा 12-13 हज़ार रुपया खर्चा होगा। अगर आप थोड़ा सा खुल के खर्चा कर रहे हैं तो समझ लो कि 20 हज़ार तक आपका खर्चा चल जाएगा। तो समझ लो कि अगर आपको अगर पूरा सैलरी मिलेगी तब तो दिक्कतें नहीं आने वाली है, अगर वहीं आपका समझ लो कि 3500 रुपया सैलरी मिलने लगा तो समझ लो कि घर से मंगवाना पड़ जाएगा 10-15 हज़ार, इस तरह से। तो ऐसा नहीं होने वाला, इस बार फुल सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब जब आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा तब देखना क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी जहाँ तक है समझ लो कि फुल सैलरी मिलेगा। अब खर्चा की बात करें, कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो देखो यार कम से कम 5-6 सीट तो आपकी वर्दियाँ सिलवाई जाएगी, ठीक है, एक साल की ट्रेनिंग में 5-6 सीट आपका वर्दिया सिलवाई जाएगी, PT ड्रेस, समझ लो कि हर 1-1.5 मंथ में आपका जूता चेंज किया जाएगा, PT शूज अलग होता है, समझ लो कि वो IT शू अलग होगा, फिर से बेल्ट हो गया, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें आपको समझ लो कि हर मंथ में कुछ ना कुछ आपको खरीदवाया ही जाएगा, इस तरह से व्यवस्था वहाँ पर रहती है। और उसके बाद से मेस चार्ज भी लगभग 3500 से 4000 तुम्हारा मेस चार्ज भी आ जाएगा, उसके बाद कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी इधर उधर देना पड़ता है, तमाम तरह की खर्चे वहाँ पे होती है। और उसके बाद जब तुम मेहनत करोगे तो वहाँ पे समझ लो कि कुछ अपना स्पेशल डाइट भी लेना पड़ता है, तो ड्राई फ्रूट भी खरीदोगे बढ़िया से, समझ लो कि जो संडे के दिन रेस्ट मिलता है उस रेस्ट में जाके अपना ड्राई फ्रूट जो होता है किशमिश, काजू, छुहारा, मुनक्का, जो भी खाते हो इस तरह की चीज़ें खाओगे, ठीक है, तो समझ लो कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा। तो देखो भाई, यही सब खर्चा आपका रहने वाला है ट्रेनिंग में और काफ़ी मज़ा आने वाला है ट्रेनिंग में, समझ लो कि घबराने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि ये गोल्डन तुम्हारा चांस रहेगा ट्रेनिंग का, जो भी पीरियड रहेगा काफ़ी मज़ा करोगे इसमें, समझ लो कि तुम्हारे जो भी गुरु भाई रहेंगे साथ में रहेंगे, फिर आफ्टर ट्रेनिंग इधर उधर सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबको मिस करोगे एक दिन, समझ रहे हो ना। तो यही सब आपकी खर्चा रहने वाली है ट्रेनिंग में दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन की सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इसके साथ साथ आप पर्सनली भी मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो तमाम सारी आपको लिंकें मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।